पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप बता रहे हैं दोबारा रिपीट? ठीक है। नो, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नो, जस्ट फारसी। फारसी, फारसी। करेंसी होटल रूम, होटल हाँ सही है, होटल मौजूद। ओके, होटल हम मौजूद। ओके, ये ना होटल पे खड़े हैं भाई साहब और इतनी स्पीड स्पीड में बोले जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं क्या हमें बोले जा रहे हैं, तो मैंने फिर कैमरा निकाल लिया। अभी ना यार जा रहे हैं यहाँ पे इमाम रजा, हाँ हाँ चल, इमाम रजा के ना शरीन पे जा रहे हैं। आज हमें चौथा दिन है और देख लें कि हमने ज्यारत करने भी नहीं गए, बस इस डर से कि वहाँ पे ना एक दो लड़कों ने हमें बताया कि ना हमारा कैमरा छीन लिया उन्होंने। ये देखें यहाँ पे लड़कियाँ ड्राइव करती हैं ज़्यादा, यहाँ पे मोस्टली ना मैंने खवातीन को देखा है यहाँ पे ड्राइव करते हुए, या शॉपकीपर भी वही होती हैं। तो अभी हम अंदर दाखिल होने लगे हैं लेकिन यहाँ पे कैमरा लाओ नहीं है, यहाँ पे दो कैमरा ना यहाँ पे छीन चुके हैं, मतलब यहाँ के जो पुलिस है ना उन्होंने जब्त कर लिए हैं। तो बस इस वजह से ना हम अपने कैमरे को अब कमरे में रख के आए हैं, ये फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। अभी देखते हैं आगे वीडियो कहाँ तक मुमकिन है, अलाउ है, वहाँ तक बनाएंगे, जहाँ पे परमिशन नहीं होगी तो फिर वहाँ पे साफ जाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ पे जितनी भी आपको ख़वातीन दिखेंगी ना सभी यहाँ पे ना काले बुरके में मिलेंगी, यहाँ पे कोई भी ख़वातीन बग़ैर बुरके के नहीं आपको मिलेगी। इसको हजाब बोलते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे कोई भी ख़वातीन जो है ना फेस वो नकाब नहीं करती, या खुले मुँह से ही ना यहाँ पर फिर रही होती हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पर अभी थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, ब्यूटीफुल। इसके मतलब आपको थोड़ी सी मैं डिटेल दे दूं कि ये ना अगर आप ईरान में आते हैं, ईरान में मशहद सिटी में ये इमाम रजा का मज़ार है और ये एक ना कम्प्लेक्स है जिसमें 12वें शियों के 8वें इमाम इमाम रजा का मकबरा है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा इस कम्प्लेक्स में गोहरशाद मस्जिद, एक म्यूज़ियम, एक लाइब्रेरी, 4 मदारिस, एक कब्रस्तान, रिजवी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेस, ज़ायरीन के लिए एक खाने का वसी हाल और एक मस्जिद का भी वसी हाल यहाँ पे मौजूद है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए कि जो कि हम यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखा पाए तो दिखाएंगे, सीधी सी जो बात है, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे वो पंजाबियों का होता है ना दाह लग गया, जिथे दाह साड़ा लग गया उत्थे तुहानू नाल उस दी ज़ियारत करा दी जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे सब कुछ जो है ना, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, क्या कुछ देखने को मिलता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेट्स गो। तो फाइनली जी हम अंदर आ चुके हैं, ये मस्जिद है और एक कुछ नहीं होता, ये मस्जिद है यहाँ पे, ये पानी पीने के लिए ना ऐसे बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम है, हमारे होता है ना वहाँ पे ग्लास होता है और उनको भी ना संगली डाली होती है, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे एक ग्लास यहाँ से निकालिए, ये ग्लास निकल आया, यार ये ना मुझे सिस्टम की समझ नहीं आ रही, शर्मिंदा हो रहा हूँ। यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं वो इसमें आ गए। अच्छा 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 अच्छा, गिलास को थोड़ा टेढ़ा पकड़ना पड़ता है ऐसे। यहाँ पे अभी बैठ के पानी पीते हैं। ये ना ये देखिए बुरके में, यहाँ पे बुरके में ना ये फिर रही है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, मतलब लेडीज़ कॉन्स्टेबल, तो बिल्कुल भी इनका पता नहीं चलता कि ये मतलब लोकल है। जैसे कि ये फिर रही है ना, अब ये लोकल लग रही हैं यहाँ की, लेकिन अगर इनको देखें ना तो यहाँ पे ये फील ही नहीं हो रहा कि मतलब ये पुलिस में है। तो इस तरह यहाँ पे हर तरफ ना यहाँ पे पुलिस वाले फिर रहे हैं। ये देखें जी यहाँ पे जूता उतार के ना अंदर जाने लगे हैं, इस साइड पे यहाँ पे मर्द हैं और उस साइड पे यहाँ पे ख़वातीन है। ये देखें इसमें हरमल है जी, हरमल का धुआँ, पता नहीं किस वजह से यहाँ पे ना हर तरफ यहाँ पे लेके फिर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जैसे चांदी होती है ऐसे चमक रही है यहाँ हर चीज। ये देखिए ओ माशाल्लाह, ये देखिए ओए यार कितनी खूबसूरत जगह है यार। अभी हम आगे जा रहे हैं, ये देखिए इस तरफ, ये एक भाई को हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हमने कहा कि यार हमें पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आया तो हमारी थोड़ी हेल्प कर दे। तो यहाँ पे ये जूते मेरे ख्याल से जमा करवाने हैं।
बिल्कुल सर, बगल में। ओके, ये टोकन हमें मिल चुका है जी। हाँ ठीक है जी। माशाल्लाह जी, यहाँ पे रश देखिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दरवाज़ा है जी, बहुत ज़्यादा रश हो गया है। पहले भी आए थे? अच्छा, ये हमें भाई मिले हैं जो कराची से हैं और इनके साथ हैं हम। ये अभी हम इमाम रजा पहुंच चुके हैं मज़ार पे और यहाँ पे ज़ाहिरीन की यहाँ पे तादाद देखिए, माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे। ब्रदर क्या नाम है आपका? हसन अब्बास, फ्रॉम कराची। आप हर साल आते रहते हैं यहाँ? देख ले कैसे खुशकिस्मत लोग हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा रश है और हर एक की ना वो कोशिश होती है कि वो जालियों को टच करे, यहाँ पे हाथ लगाए और चूमे। ये देखिए, और ये इनके हाथ में ना ये पता नहीं क्या है, वो स्टिक पे ऊपर ना लगे हुए बाल से। अच्छा वो सामने लिखा हुआ है कि आप ना यहाँ पे तस्वीर ममनू। और ये चांदी की तरह ना इतना ज़्यादा मतलब ग्लास लगे हुए ना और चमक रहा है ये अंदर वाला सारा सहन। ये इमाम रजा के ना हम मज़ार से हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी पता नहीं मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ, ये सफाई करते हैं शीशे की। मैं भी कहूँ कि इतनी ज़्यादा मतलब ये ना चमक कैसे रहे हैं, ये हर वक्त ये मशीन के ज़रिए ना सफाई करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खाने यार। सही दर्स, ये दर्स गाए हैं जी, यहाँ पे ये दर्स हो रहा है और ये नीचे हम जा रहे हैं अभी। ये देखिए जी जनाब, यहाँ पे ये इमाम रजा का मज़ार, इससे आगे मतलब ये क्या जाली तीन है, ये तीन फ्लोर हैं, सबसे ऊपर एक दूसरे पे आ गए। अच्छा, जब बड़े कोई आते हैं ना अला खुमैनी वगैरह, जब खुलता है वो मेन कब्र है वहाँ पर मज़ार। अच्छा, वो सबसे नीचे है? सबसे नीचे है, तीसरे माले। सही सही सही, ये दूसरा है जी फ्लोर जिस पे हम अभी आए हैं, एक ऊपर वाला था और इससे भी नीचे एक ना, इससे नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कब्र है। यहाँ पे मैं अंदर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। काफ़ी सारे अंदर ना पैसे डाले गए नजराने के तौर पे, ये ऊपर से सुराख हैं यहाँ से लोग जो है ना डालते हैं। सात सेन छोटे और सात सेन बड़े। अच्छा, तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? वही तय खाने में, दूसरे सेकंड फ्लोर में। तो आप कह रहे थे कि वहाँ पे आम नहीं जा सकते लोग, वो तीसरे में जा सकते क्योंकि वो बड़े हैं ना, पाकिस्तानी आते हैं तो जब खुलता है वो बड़े जब आते हैं तो वो भी किस्मत है, किसी जब खुल जाए तो वो जा सकते हैं। तो अभी ये क्या चीज़ है? अभी यहाँ पर सब नमाज है, धुआं वगैरह, ये भी फ्लोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, ये मस्जिद है और दर्स हो रहा है जी बच्चों का। अगर आप ना होते तो शायद ये इस जगह पे हम आते, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा ना। हेलो, हर जगह एक जैसी है ना, यहाँ पे गुम होने की इसी वजह से चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, सफाई का निज़ाम जो है ना बेहतरीन है यहाँ पे। हाँ, सही तो इसी ऐसे
भाइयाँ वगैरह। अभी रश तो कम है लेकिन अभी तो रश बढ़ जाएगा। अभी कम है रश? अभी कम है, बहुत कम है, तो ऐसा बढ़ेगा रश। अभी भाई बता रहे हैं रश कम है और मुझे लग रहा था रश ज़्यादा है। यार हमें यहाँ पे महंगी मिलती है बहुत। अच्छा वैसे लोग कहते हैं कि ईरान काफ़ी सस्ता है लेकिन यहाँ पे आके मैं फील कर रहा हूँ कि ईरान सस्ता नहीं, महंगा महंगा है, बहुत महंगा है। हमारी चप्पलों की जगह आपसे आ गई। हाँ जी आगा आगा वैसे आप हाथ में ले घूम सकते हो लेकिन सिर्फ हरम में ना जाने अलाउ नहीं। हरम में मतलब हाथ में लेके नहीं जा सकते। ये ढोल बज रहा है? ये ढोल अभी और वो बजाएगा बाजा मुर्गी जब अपना। अभी ये ढोल बज रहा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मगरब का टाइम हो गया। और जहाँ पे ना पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर 5 बजे का टाइम है तो यहाँ पे 4 बजे का टाइम होता है। पाकिस्तान में अगर 6 बजे रात होती है तो यहाँ पे 5 बजे हो जाती है। ये पाकिस्तान से ना 1 घंटा 15 मिनट पीछे है ईरान। तो इस मुनासबत से ना हमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। सुबह उठे 7 बजे हैं और पता चला नहीं ये तो 8 बजे का टाइम है। अभी आपको कितने दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए? हमारे को 5 दिन हो गए। 5 दिन कौन से हैं अभी आपसे आए? अभी वापसी कब है आपको? वापसी मिली अथवार या मंडे की, संडे या मंडे की, मतलब परसों या परसों। तो इंशाल्लाह इस भाई से कराची में ज़रूर मिलेंगे अगर हमारा कराची का कोई ट्रिप लगा तो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अल्लाह हाफिज़ जी। तो अब यहाँ से चलते हैं जी भाई, बहुत ही अच्छे थे यार। यहाँ पे कोई अपना मिल जाए ना, अब प्राय शहर में कोई अपना मिल जाए तो आपको बताया कि कितनी दिल में खुशी होती है। तो हमें किसी की समझ नहीं आ रही यहाँ पे, फारसी हर कोई फारसी बोले जा रहा है। ये इतना बड़ा एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे आप गुम हो जाते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा बंदा ना मिले जिसको इस जगह का पता हो तो। हर जगह एक जैसी। सहन कसफंदारी नंबर 2। ब्रो बोले? ओके 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 ओके। देखो वो भाई शॉपर ले गया। आपने शॉपर यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे ना शॉपर ऐसे हवा में नहीं उड़ाना होता। ये टोकरियाँ बनी हुई हैं जिनमें शॉपर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना वो आप उठाइए, शॉपर वो ले जा रहा हूँ, प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग इनमें टोकरियों में पड़े होते हैं। तो आपने ना वो प्लास्टिक बैग उठाना है और उसमें अपने शूज़ डालने और अंदर जाना है और फिर वापस आके इसी में डाल देना है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो आप उनको दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे भाई को चाहिए था वो ले गए। ये देखिए सारी लाइट्स यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं और कितना खूबसूरत यहाँ पे रात का व्यू है। ये देखिए पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि यहाँ पे कैमरा निकालूंगा कोई पुलिस वाला आएगा ले लेगा कहेगा वीडियो ममनू। लेकिन जब मैंने देखा ना यहाँ पे तो भाई साहब शूटिंगें चल रही हैं। मैंने कहा यार ये इतने इतने बड़े कैमरे नहीं ला सकते तो हम सिंपल फ़ोन से ही नहीं बना सकते।